सो यहाँ पे गाइस चालू हो चुका है अमेजन की तरफ से अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल डील्स। अभी इस वाले वीडियो में मैं खाली लैपटॉप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहला जो लैपटॉप्स है, मतलब सबसे पहले जो कैटेगरी में रखा हूँ यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप्स को रखा हूँ, इसके बाद मैंने गेमिंग लैपटॉप्स को रखा है। तो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट लैपटॉप हो जाता है दैट इज लेनोवो आइडियापैड 3। और गाइस इस वाले लैपटॉप्स के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में आज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें गाइस राइजन 5 3500U का प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जिसमें 4 कोर N12 थ्रेड देखने मिल जाते हैं, 8GB की रैम मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे जो स्टोरेज देखने मिल जाता है 512GB की NVMe SSD देखने मिल जाती है, बोथ आर एक्सपेंडेबल। और गाइस यहाँ पे जो रेडियन का ग्राफिक दिया है, जिससे आप थोड़ा बहुत गेमिंग कर पाओगे, बट उतना हैवी गेमिंग इसमें नहीं होने वाला है। विंडो 11 दिया गया है, बाकी सारे की स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। और गाइस इसका डील में जो प्राइस चल रहा है दैट इज गाइस यहाँ पे 45,000 to 40,000। तो गाइस 43-45,000 में आप इसको ले सकते हो। करंट प्राइस इसका 45,000 है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएंगे। अगर आप इसको बाद में लेते हो तो इसका प्राइस गाइस 60-70,000 के आसपास रहता है। तो गाइस काफी अच्छा यहाँ पे डील हो जाता है। नाउ नेक्स्ट लैपटॉप दैट इज HP 15S, सेम 15.6 इंच का OLED IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है आप लोगों को। यहाँ इंटेल के तरफ से गाइस यहाँ पे 12 जनरेशन का i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर हो जाता है। इस वाले लैपटॉप में 12 कोर्स और 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, इससे गाइस बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े गेमिंग सब हैवी तरीके से कर सकते हो, और एडिटिंग का काम हैवी टास्क मल्टी टास्क के लिए मतलब कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे DDR रैम मिल जाता है 8GB का, जिसे आप अपग्रेड बिल्कुल ही कर पाओगे 3200 MHz का, 16GB तक इन फ्यूचर में आप अपग्रेड कर पाओगे, स्टोरेज 512GB की NVMe SSD। और गाइस बाकी सारे के यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है गाइस यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो रहा होगा। इसका जो करंट प्राइस है दैट इज गाइस यहाँ पे जो डील में चल रहा है 56,000 में आराम से मिल जाएगा, 56,000 में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है, हाईली रिकमेंड। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह करते हो, मल्टी टास्किंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। नेक्स्ट लैपटॉप दैट इज असूस यूगो 17। अब गाइस इस वाले लैपटॉप्स के बारे में मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बनाया है, लेकिन गाइस फिर से यहाँ पे जो डील में चल रहा है इसके लिए मैं यहाँ पे इसको ही सजेशन करता हूँ। अगर थोड़ा सा अच्छा प्राइस है इसका और बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने मिल जाता है लैपटॉप, 17 इंच का इसमें डिस्प्ले दिया गया है। आई नो डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है, बट बहुत अच्छा होने वाला, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आप लोगों का होने वाला है। गाइस यहाँ पे एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिल जाता है, मैक्स क्लॉक स्पीड जो दिया गया दैट इज 4.2 GHz, 4 कोर एंड 8 थ्रेड देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे 8GB की रैम मिल जाती है, जिसे आप इन फ्यूचर अपग्रेड कर पाओगे। इंटेल की तरफ से ग्राफिक्स दिया गया है, जिसे आप थोड़ा बहुत गेमिंग कर पाओगे, बट यहाँ पे हैवी गेमिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया कि गाइस यहाँ पे मैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स को बता रहा हूँ, इसके बाद मैं गेमिंग लैपटॉप्स भी बताऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहना और गाइस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। इस वाले लैपटॉप्स में आपको गाइस यहाँ पे सारे फीचर अच्छे खासे मिल जाएंगे, इसके साथ साथ फुल साइज बैकलिप के बाद देखने मिल जाता है विद नमपैड, तो काफी अच्छा यहाँ पे लैपटॉप देखने मिल जाता है। इसका जो डील का जो प्राइस चल रहा है ओनली 50,000 चल रहा है गाइस, और गाइस यहाँ पे बैंक ऑफर अगर आप लोग मिला लो गाइस 47,000 to 48,000 में आराम से आप लोग देखने मिल जाएगा। सो गाइस बहुत ही अच्छा लैपटॉप्स है, आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस मैंने प्रोफेशनल लैपटॉप्स को ऑलरेडी कवर कर दिया है, और गाइस इसके अलावा भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज सारे लैपटॉप्स को कवर कर पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है, तो आप लोग जाके देख लेना। और गाइस ये वीडियो आप अगर ग्रेट डील के बाद भी देख रहे हो तो गाइस तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इनमें से किसी लैपटॉप्स को ले सकते हो, काफी अच्छा डील इनमें पहले भी रहता है। और गाइस अभी डील आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि गाइस अभी दशहरा वगैरह का भी बहुत सारा डील आने वाला है, तो यार उसमें भी आप लैपटॉप ले सकते हो। बट यार अभी के समय में क्या है, बहुत अच्छा है, 2-3 दिन शायद बचा है यहाँ पे, 10 तारीख तक यहाँ पे ये डील खत्म होने वाला है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप लैपटॉप परचेस करना चाह रहे हो तो गाइस दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप लैपटॉप परचेस करो, बिकॉज यहाँ पे आपको भारी भरकम छूट देखने मिल जाता है। नाउ आप लोग बात कर लेते हैं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। तो गाइस बहुत ज्यादा मैंने कचरा नहीं किया है, स्पेसिफिकेशन मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, आप वहां से वॉच करके वीडियो को वहां पे देख सकते हो। आप एसर की तरफ से इंस्पायर 5 जो कि 12 जनरेशन का, इसमें प्रोसेसर देखने मिल जाता है, 15.6 इंच का IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिल जाता है। इंटेल की तरफ से गाइस यहाँ पे 12 जनरेशन का कोर i7 प्रोसेसर देखने मिल जाता है, 12 कोर एंड 16 थ्रेड, बहुत ही ज्यादा भयंकर प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है। इसमें 8GB का DDR रैम दिया गया है, अब इसको बढ़ा के 32GB कर सकते हो, 512GB की NVMe SSD दिया गया है, इसके साथ जो NVMe SSD है Gen 4 का है, तो गाइस काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है, तो रैम एंड स्टोरेज बोथ आर एक्सपेंडेबल। विंडो 11 होम प्रीलोडेड यहाँ पे MS Office भी दिया गया है। सबसे अच्छी बात की गई गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज यहाँ पे RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है, 6GB VRAM वाला GDDR6 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि गाइस गेमिंग के लिए AAA टाइटल के सारे गेम्स को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा, 2-3 साल तक बहुत मक्खन तरीके से आप गेमिंग इसपे कर सकते हो। बैकलिट कीवर्ड दिया गया है गाइस, और इसका जो डील में जो प्राइस चल रहा है दैट इज 59,000 ओनली, बाकी ये 70,000 में मिलता है, तो काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने मिल जाता है आप लोगों को, काफी ज्यादा पैसा बचेगा। और गाइस अगर आप गेमिंग लैपटॉप्स देखना चाह रहे हो 60,000 के अंदर, गाइस इसको हराने वाला कोई भी नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसका जो बिल्ड क्वालिटी है उतना खास नहीं है, बट फिर भी यार यहाँ पे जो ग्राफिक्स आपको मिलता है, यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने हो जाता है भाई लोग। तो गाइस आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो बाय, हाईली रिकमेंड अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप देख रहे हो 60,000 तक का, तो बैंक ऑफर मिला के 58,000 के आसपास भी आपको देखने मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट दैट इज लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। इस वाले लैपटॉप्स के बारे में क्या ही कहा जाए, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लैपटॉप हो गया है, और गाइस इसका जो प्राइस है बहुत ही
सस्ता है, इसकी वजह से गाइस ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बिक रहा है अभी ग्रेट डील पर। गाइस 15.6 इंच का IPS HD डिस्प्ले और गाइस इसका जो डिस्प्ले होने वाला वो तो अच्छा ही है। इसके साथ गाइस इसमें जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, इसके वजह से इसका जो डिस्प्ले का जो अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो स्मूथनेस काफी ज्यादा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाता है। इसमें मैक्स क्लॉक स्पीड जो दिया गया है दैट इज 4.2 GHz, 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। 16 MB के L3 कैश यहाँ पे इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। 8 GB की DDR RAM 3200 MHz का, इसको आप बढ़ा के 16 GB तक फ्यूचर में कर सकते हो। यहाँ पे जो स्टोरेज आपको मिलता है कॉम्बाइन स्टोरेज मिलता है, मतलब की 256 GB की NVMe फास्ट SSD देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको 1 TB की HDD देखने को मिल जाता है। तो इससे होगा कि बहुत ज्यादा अगर गेमिंग वगैरह गेम वगैरह आप स्टोर करके रखते हो, बहुत ज्यादा गेम वगैरह खेलते हो, तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे ये स्पेस प्रोवाइड कर सकता है और इन फ्यूचर इसको और भी आप बढ़ा सकते हो। बाकी मेरे को ये पता नहीं है कि कितना बढ़ा सकते हो। इसमें GTX 6050 4 GB का GDDR ग्राफिक कार्ड दिया गया है जो कि 4 GB VRAM वाला होने वाला है और गाइस काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। विंडो 11 प्री लोडेड मिल जाता है। इसके साथ साथ MS ऑफिस 2020-21 आपको देखने मिल जाएगा। बैकलिट कीबोर्ड विथ RGB, तो यहाँ पे कस्टमाइजेबल RGB सेटअप देखने मिल जाता है, मतलब जो बैकलिट कीबोर्ड है फुल्ली RGB होने वाला है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जो गाइस इसका MRP है 70,000 के आसपास रहता है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो आपको ग्रेट डील में मिल रहा है 54,000 ओनली। तो गाइस इसने कम प्राइस में का बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। अगर आप डेफिनेटली अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, हाईली रिकमेंड। अगर आपका बजट 54,000 के आसपास है, मतलब 50,000 के आसपास बोले तो, क्योंकि गाइस यहाँ पे बैंक ऑफर भी आपको देखने मिल जाते हैं और विद बैंक ऑफर आपको 53,000 तक यहाँ पे लैपटॉप पड़ने वाले हैं। लास्ट लैपटॉप जो होने वाला है, मतलब उन लोगों के लिए होने वाले जिनका बजट थोड़ा सा ज्यादा ही कम है, मतलब 48,000 के आसपास जो रहने वाला है, उनके लिए बहुत ही अच्छा गेमिंग लैपटॉप मैं बता रहा हूँ, दैट इज Lenovo Legion 5। मुझे पता है यार थोड़ा सा पुराना यहाँ पे लैपटॉप हो चुका है, बट गाइस यहाँ पे डील में इसका अच्छा डील वगैरह चल रहा है तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। 15.6 इंच का IPS एंटी ग्लेयर OLED पहले देखने को मिल जाता है और 120 हर्ट्ज़ का यहाँ पे रिफ्रेश इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। AMD की तरफ से Ryzen 5th जनरेशन का 4600H, थोड़ा सा प्रोसेसर पुराना हो चुका है बट डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में ये भी बहुत अच्छा है। ये डील चल रहा हो तभी इसको लेना, बिकॉज डील अगर नहीं चल रहा हो तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा महंगा होता है और तब मैं आपको लोगों को रिफंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। 6 कोर यहाँ पे 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, 8 GB की DDR RAM देखने को मिल जाता है, 3200 MHz का, इसको आप 16 GB तक इन फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिल जाता है, 8 GB का RAM और भी लगा सकते हो इसमें और 16 GB तक इसको आप बढ़ा सकते हो। इसमें जो स्टोरेज मिल जाए 256 GB का NVMe SSD देखने को मिल जाता है और इसके साथ भी 1 TB का HDD कॉम्बाइन मिलता है और यहाँ पे इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। GTX 6050 GDDR6 RAM ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होने वाला है, जैसा कि मैंने सारे गेमिंग लैपटॉप में बताया है। विंडो 11 इसमें देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा लेटेस्ट इसमें विंडो 11 डला के आता है, थोड़ा सा मॉडिफाई है। RGB बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है और फुल्ली कस्टमाइज है, यानी कि आप RGB बैकलिट कीबोर्ड जो होता है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। सो गाइस इसका जो MRP होने वाला है 60,000 का होने वाला है, बट यहाँ पे जो डील में ये मिल रहा है 46,000 तक आपको आराम से मिल जाएगा, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। गाइस ये सारे लैपटॉप्स डील में मिल रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो फिर भी आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो जाता है। बाकी आप लोग डील में देख रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इनमें से किसी भी लैपटॉप्स को आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में दो पार्ट रखा है, प्रोफेशनल लैपटॉप्स एंड गेमिंग लैपटॉप्स। तो जिसको भाई अपना प्रोफेशनल काम करना हो वो पहले वाले लैपटॉप्स की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकता है और गाइस यहाँ पे जो गेमिंग करना हो इन वाले लैपटॉप्स को आप कंसीडर कर सकते हो। और इनमें से गाइस आप लोगों को काफी सस्ता और भी सस्ता लैपटॉप चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।